हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ये हमारी तीसरी क्लास होगी, तो चलिए बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। सारे एग्जाम्पल्स कवर कर रखे हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्शनियर कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल। ऑक्शनियर कवर्ड होता है सीरियल नंबर 3 में शेड्यूल 1 में। क्या कहता है कि देखिए, ऑक्शनियर पहले होता कौन है ये जानना चाहिए। देखिए, ऑक्शंस होते हैं यानी कि नीलामी होती है किसी चीज़ की, किसी एसेट्स की नीलामी होती है, तो उसी फंक्शन को कहते हैं ऑक्शन। ऑक्शनियर होता है जो नीलामी करवाता है। ठीक, देखिए क्या होता है, द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड The goods are sold to the highest bidder along with invoice by Mrs. XYZ Limited. Successful bidder है और XYZ जो लिमिटेड बैंकिंग कंपनी क्या करती है, एक अपॉइंट करती है मिस्टर बी को। मिस्टर बी, अब देखिए अपॉइंट करती है, ये उनका एजेंट नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवाएगा अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ की सर्विस, ऑक्शनियर की सर्विस प्रोवाइड करवाने। ठीक है, मिस्टर बी तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर बी इज एन ऑक्शनियर है। तो आंसर पे कि क्या है, मिस्टर बी इज नॉट एन एजेंट नहीं है एक्स वाई जेड लिमिटेड के फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। मिस्टर बी बीइंग द ऑक्शनियर इज मेयरली प्रोवाइडिंग द ऑक्शनियरिंग सर्विसेज विद नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ क्या कर रहा है वो, अगर क्वेश्चन आता है एक आध नंबर में आएगा तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई एजेंट नहीं। देखिए, ऑक्शनियर कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1। अब क्या है, मिस्टर ए है एन आर्टिस्ट। मिस्टर ए फिर से अपॉइंट करते हैं मिसेस बी ले ऑक्शनियर को टू ऑक्शन हिज पेंटिंग की ऑक्शन के लिए। फिर से मिसेस बी जो है वो क्या है, ऑक्शनियर है। आंसर क्या है, इन दिस सिनेरियो मिसेस बी इज नॉट मेरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनियरिंग सर्विसेज बट इज ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए टू द बिडर। क्या कर रहे हैं, पेंटिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं पेंटिंग, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मिस्टर ए जो है अपॉइंट करते हैं मिस्टर बी को, मिस्टर बी को किस लिए, ऑक्शनियरिंग करने के लिए और पेंटिंग को बिकवाने के लिए। ठीक, तो क्या है, एंड हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। This scenario is covered under schedule 1। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ नहीं उसमें यही बताया गया बस कि किस तरीके से ट्रांसफर करता है। तो मान लिया प्रोक्योरमेंट एजेंट कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 सोल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है बायर को, अ सेलर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मिस्टर ए अपॉइंट करते हैं मिस्टर बी को टू आइडेंटिफाई बायर। तो अब ये देखिए, अपॉइंट करते हैं यानी कि अब सारा काम क्या करेंगे, कौन करेगा, मिस्टर बी ही करेगा। तो आंसर देखिए, मिस्टर बी डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय मिस्टर बी टू द बायर, द फॉर्मर इज एन एजेंट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। ये क्या है, कमीशन एजेंट है। समरी आ गई है इसकी, समरी एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी कुछ नहीं ज़्यादा से कुछ बस। ना इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विस का तो क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ अर्जेंट्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सर्विस। एग्जाम्पल नंबर 57 पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये बात ध्यान रखनी है। सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो किस तरीके से लायबल होगी, ये सब नहीं किया। आप्टे एंड आप्टे लिमिटेड इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में है एंड होल्डिंग 51% ऑफ शेयर ऑफ विल्सन लिमिटेड, अ यूएसए बेस्ड कंपनी है। विल्सन लिमिटेड प्रोवाइड्स बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज टू आप्टे एंड आप्टे will be treated as supply। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा, ये
सप्लाई मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा था ऑलरेडी केसेस डिफरेंट आ रहे थे, मोर देन 50% होना चाहिए, सॉरी 25% इस तरीके से। तो हमारे पास कितने परसेंट है? 51%। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। 58 एग्जांपल, स्पर्स लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्ट बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन यूएस। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच, ब्रांच की बात हो रही है। सर्विसेज रिसीव्ड बाय स्पर्स लिमिटेड विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच सप्लाई होती है, हमने पढ़ा था कि वो क्या एक्सेप्ट होती है, सॉरी सप्लाई मानी जाएगी उनके बीच जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इम्पोर्ट ऑफ इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर मिस्टर राम। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विस प्रोवाइड कराई गई है, फॉरेन में है, इम्पोर्ट करवा रहे हैं। मिस्टर लाखन सॉरी मिस्टर लक्ष्मण अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST। अगर है तो क्या होता है? नो तो क्या होता है? नहीं है तो नॉट सप्लाई, अगर है और वो भी इन फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस में देखना है तो नॉट अ सप्लाई सिंस देयर इज अ नो कंसिडरेशन। मोर एवर मिस्टर लक्ष्मण एंड मिस्टर राम आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, दैट इज दे आर नॉट सेम फैमिली एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 249 ऑफ CGST। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिलेटेड पार्टी होना भी जरूरी है यहाँ पर। सेक्शन 249 क्या कहता है? कहता है फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रेन ऑफ द पर्सन एंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। ठीक है, ये सारे जो होंगे वो क्या होंगे? फैमिली मेंबर्स। चलिए आ जाइए सेक्शन 7 सेक्शन 1 क्लॉज 3। द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल 1 की बात हुई अभी, अब शेड्यूल 2 की बात करें। शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 हैज सर्टेन एक्टिविटीज क्लियरली क्लासिफाइड एज गुड्स ऑफ सर्विसेज अंडर GST टू अवॉइड एनी सच कंफ्यूजन। हाउएवर द अबव मेंशन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 7(1) हैज बीन ओमिटेड बाय द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 अलोंग विद द इंसर्शन ऑफ न्यू क्लॉज। न्यू क्लॉज का न्यू क्लॉज आया इसमें 7(1) इस तरीके से 1A। देखिए क्या कहता है ये 7(1A क्या कहता है? वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड टू द सेकंड के जैसे बताया गया वैसे मान लिया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव टू अमेंड, ऑब्जेक्टिव क्या है 7 को अमेंड करने का ऑफ सेक्शन ऑफ द एक्ट इज टू क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ सप्लाई इन इट इंसर्ट अ न्यू सबसेक्शन 1A इन सेक्शन 7 एंड ओमिट क्लॉज डी को हटाने के लिए ऑफ सबसेक्शन 1। नाउ फर्स्ट एन एक्टिविटी हैज टू बी सप्लाई होनी चाहिए एज पर शेड्यूल 1, ओनली देन इट विल बी टेस्टेड एज पर शेड्यूल 2 द रिसेंट AAR देयर बाय सप्लाई ऑफ कैंटीन। यहाँ से ध्यान रखनी है बात, क्या चीज कि सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सप्लाई एंड हैंस टैक्सेबल एज पर शेड्यूल 2। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है ये बात। अब देखिए यहाँ पर ये सब कुछ, चलिए पढ़ लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्या दिया हुआ है। ट्रांजेक्शन की बात की, ट्रांजेक्शन देखिए किस किस तरीके से होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स जीएस मानी जाएगी, सप्लाई में किस में नहीं मानी जाएगी, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल नो, गुड्स की केस में नो, सर्विस की केस में यस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स That property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. Supply मानी जाएगी, yes. Supply of goods मानी जाएगी, supply of service नहीं मानी जाएगी.
लैंड एंड बिल्डिंग के केस में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग लीज पर दी है, टेनेंसी क्लियरेस्ट इजमेंट पर दी है, तो ये सर्विसेज हो गई सारी की सारी सप्लाई मानी जाएगी। लीज दी है लेटिंग पे, इसी तरीके से फिर से ये सर्विसेज हैं, तो यस सप्लाई मानी जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस भी हमारे क्या सर्विस है, ये भी सप्लाई मानी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ये हमारी गुड्स में होती है, यस नो इन द केस ऑफ सर्विसेज में। द ऑनर ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस यूजेस और अलाउड टू यूज बिजनेस एसेट्स फॉर पर्सनल, तो क्या हो जाएगा, नो सर्विसेज के केस में यस। इफ द गुड्स, इफ द ऑनर सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, देन बिजनेस एसेट्स विल बी अज्यूम टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीज टू, इमीडिएटली सीज मतलब मना कर देता है, बी टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। वैन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब बिजनेस इज ट्रांसफर हो जाता है एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन को, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो गुड्स के केस में यस, सर्विस केस में नो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अच्छे से एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउएवर रेजिडेंशियल हो या ड्वेलिंग हो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी से एग्जेम्प्टेड, गुड्स के केस में नो, यस इन द केस ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर पार्ट देयर ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बिन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वे आर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर कंप्लीशन व्हिच एवर इज अलियर, दो के बीच में अलियर होगा, एक तो कब जब उसने क्या किया, इंक्लूडिंग यहाँ पर सेल की बात की है और यहाँ पर कंप्लीशन की बात की है, तो मतलब कहने का मतलब है कंसिडरेशन या तो रिसीव हो जाए या फिर आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट हो जाए, तो इन द केस ऑफ गुड्स क्या होगा, नो होगा सर्विस के, यानी कि मोस्टली जो हमने कॉमन चीज़ देखी है कि गुड्स में क्या हो रहा है, नो हो रहा है, और सर्विसेज हैं तो सर्विस के लिए यस, गुड्स हैं तो गुड्स के लिए यस। टेम्प्ररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूजर यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो गुड्स के केस में नो, सप्लाई सर्विस के केस में यस। डेवलपमेंट डिजाइन ये सब सर्विसेज हैं तो यस हो जाएगा, ठीक। एग्रिंग ऑफ ऑलिगेशन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट, मतलब कि कोई काम कर रहे हो आप, उससे ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप उनसे दूर रहो, अब आपको ये काम नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ सब सर्विसेज में यस हो जाएगा, गुड्स में नो। ट्रांसफर ऑफ द राइट को ट्रांसफर कर दिया, सर्विस केस में यस होगा। कंपोजिट सप्लाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में गुड्स का नो, सर्विस का यस। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनर वर्ड्स अगर कोई भी बात हो क्या करना है उसको, गुड्स के केस में नो करना है, सर्विस के केस में यस। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में यस, तो सिंपल सी बात है, गुड्स के केस में यस ही होगा और सर्विस के केस में नो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार और आप चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये इन्हीं बेस पर क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए। अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर्स हैं इन गुड्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओन्ड बाय मैसेज एक्स लिमिटेड एंड मैसेज वाई लिमिटेड एट अ लेटर डेट, मैसेज एक्स लिमिटेड सोल्ड हिज शेयर इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एट मैसेज जेड को बेच देंगे, हैंस ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू मैसेज जेड बट ओनली शेयर इन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू मैसेज जेड लिमिटेड, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर, टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, मिस्टर ए प्रोवाइड्स मशीन टू मिस्टर बी एंड ही परमिट्स मिस्टर बी टू यूज द मशीन प्रोवाइडेड मिस्टर बी पेज फॉर द मशीन आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद क्या करते हैं, पे कर देते हैं मशीन का यूज करने के बाद। व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू मिस्टर बी इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज देयरफॉर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, अब क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ आ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस इज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एज वेल एज द सेम बिजनेस पर्पस, इट इज सेड एक्टिविटी लीजिंग ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स
would be recovered with definition of supply and eligible to GST. ठीक है, आपने घर में ही बिजनेस बना लिया तो क्या हो, सप्लाई मान जाएगी, जीएसटी लागू हो जाएगा. सच एक्टिविटीज कुड बी कोचिंग बाय टीचर एट हिज रेजिडेंस और कैरिंग आउट प्रोफेशनल एक्टिविटीज फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा. कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं घर से, ठीक है, इवन स्टोरिंग अ बिजनेस गुड्स इन रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस. अगर ये अपने घर से ही काम कर रहे हैं ऐसा तो क्या होता है, टेनेंसी राइट एक्सिक्यूटी अंडर जीएसटी और सीबीएसई. यू आर रिक्वायर्ड टू द आंसर द फॉलोइंग. व्हेन द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स टू एन इनकम टेनेंट कंसिडरेशन फॉर विच इज इन फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम shall attract GST when stamp duty or registration charges will be levied on the said premium. If yes, what would be the applicable rate? अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिस पर कि टैक्स लगता है तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. फर्दर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर occurs to the outgoing tenant, whether such supplies will also attract GST. देखिए क्या होता है, आ जाइए आंसर जरा पढ़ लें दोनों का. The activity transfer to tenancy right is squarely covered under the scope of supply and taxable per क्या लिखा है, taxable per. ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट टू अ न्यू टेनेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज टैक्सेबल होगा. ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज अ रेजिडेंट्स ड्वेलिंग अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम और पीरियोडिक रेंट और बोथ इज एग्जेम्प्ट. ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट देखिए, एज रिगार्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आउटगोइंग टेनेंट बाय वे ऑफ सरेंडरिंग the tenancy right against the consideration in the form of the portion of tenancy premium is liable to GST. So I hope आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा. तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जॉब वर्क. सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल. थैंक यू सो मच.